अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं हूं वसीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्टो यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज ये कि आज मैं वाइट बोर्ड पर आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि मेरी तबीयत ख़राब है और दूसरा ये कि आज मैंने जो है ना ज़्यादातर नोट्स वगैरह आपको करवाने हैं, सोल्यूशन वीडियोस हैं, तो वो उनकी जो पिक्चर है वो ज़रा क्लियर आ जाएगी अगर मैं करीब से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वाइट बोर्ड पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक एक सारे को। मैं मतलब अब मैंने नोट्स बनाए थे फिर मैं उन पर लिखता, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, आपके पास नोट्स आते जाएंगे, अदरवाइज़ आपको व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए PDF फाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 के मैंने आप लोगों को शार्ट क्वेश्चंस करवाए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस दफा जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसमें शामिल है टॉपिक 9.3, 9.5, 9.6 एंड 9.7। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ से कुछ नहीं करना। तो मैं जो है क्वेश्चंस तो आपको पता ही है, नोट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ, इसे हम साइड पे रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास सबसे पहला पेज आ गया जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो देखिए, वो कहता है कि दो सोल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं या जिनमें जो है ना फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेम, यानी कि इनकी सोल्यूशन बनने से पहले और सोल्यूशन बनने के बाद फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सेम रहती है। वॉल्यूम इनका सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट का इकट्ठा कर तो सोल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर आता है। और जनाब, इसके अलावा देयर इज़ नो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। इसका जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो सारे का सारा उसका उलट हो जाएगा। मैं इनमें शार्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये आप लोगों ने खुद तैयार करने हैं। अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं फिर आपको टॉपिक समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं बस इनका मेन मेन आपको समझाता जाऊँगा। स्क्रीन शॉट ले लें, इसका कम्प्लीट क्वेश्चन है, ये लें इसका स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा जी, दूसरा शार्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, इसी की दूसरी स्टेटमेंट आती है, मैनी सॉल्यूशंस डू नॉट बिहेव आइडियली। अब क्वेश्चन ये दोनों एक ही हैं, मतलब स्टेटमेंट चेंज है, इन दोनों का आंसर सेम ही है। कहता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउट्स लॉ को ओबे क्यों नहीं करते? देखो भाई, दी सोल्यूशन डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, द सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। उसके अलावा वो कहते हैं कि मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन वो इसलिए राउट्स लॉ को भी जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि इनके दरमियान जब एक सोल्यूशन बनाया जाता है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन डू नॉट ओबे राउट्स लॉ बिकॉज दे हैव डिफरेंस इन देयर मालिकुलर स्ट्रक्चर साइज शेप इंटर मालिकुलर फोर्सेज एंड ड्यू टू देयर डिफरेंस द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डज नॉट रिमेनिंग इन अकॉर्डेंस विद द राउट्स लॉ। ठीक है ना, ये चेंजिंग्स आती हैं इसमें। इसका मैं स्क्रीन शॉट बनवाने के लिए आपको टाइम दूंगा, आप जल्दी जल्दी बस पढ़ते जाएँ। नेक्स्ट है डिफाइन राउट्स लॉ, और राउट्स लॉ मुझे उम्मीद है आप सारों को आता होगा, आपने तैयार कर देने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जियोट्रॉपिक एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैंने अपनी जो है ना शार्ट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यानी कि हमने टॉपिक नहीं पढ़ा। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया है, पहली बात तो ये कि हर साल आता है, दूसरी बात ये कि स्मार्ट सिलेबस की जो एक्सरसाइज है, अब एक्सरसाइज के एंड में जो क्वेश्चन बताए हैं उनमें इसका जिक्र किया गया है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। द सोल्यूशन आर मिक्सचर विच डिस्टिल विद अ चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड जियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी कि जब इनकी डिस्टिलेशन की जाती है तो इनकी कंपोजिशन, वो कहते हैं डिस्टिल विद अ चेंज, तो इनकी कंपोजिशन में चेंजिंग आ जाती है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं इनकी कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं आती। ठीक है जी। उसके अलावा जी, नेक्स्ट हम करते हैं ये, मैं इसका स्क्रीन शॉट का आप लोगों को टाइम देता हूँ, ये लें इसका आप एक अच्छा सा स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 हो गया, ये लिए ये 4 का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये सेव रहें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो यानी के सल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट आर द नेचर ऑफ द सल्यूट, ये सल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट, ये सॉरी नंबर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आयंस एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 60 ग्राम यूरिया है या मतलब 180 ग्राम आप ग्लूकोज के लें या एटसेट्रा, मतलब डिफरेंट के अगर आप 1-1 मोल लेते जाएंगे तो उनके लिए जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम रहेंगी।
मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता शॉर्ट क्वेश्चंस की, आपको अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बेसिक चीज़ का नहीं पता। यहाँ मेरा मकसद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहते हैं डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, नेम इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो कहते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो चाहे वो यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एटसेट्रा अला बला कुछ भी है ना, वो इन्होंने सेम रहना है। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट सेम रहनी है। अच्छा जी, ये है इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये अलग से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। बहरहाल मैंने इसी को ऐड कर दिया, ये लें आप स्क्रीन शॉट ले लें इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पर, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट विद एन एग्जांपल। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। इसको भी जो है ना मैं डिटेल में करवा चुका हूँ, सॉल्वेंट जो है इसके लिए आप लोगों ने एक आधी एग्जांपल इसकी याद कर लेनी है। इसी के साथ मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, डिफाइन एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा जी, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट जो है ना, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, वो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के लिए था, ये एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो तकरीबन सेम ही है। सेम नहीं मतलब एक लिंक्ड है आपस में एक दूसरे, सेम तो नहीं है ना, 100% एक दूसरे से चेंज है, वो और चीज़ है, ये वो डिप्रेशन के लिए और ये एलिवेशन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइन अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर विद एग्जांपल। एक और बात बता दूं, ये भी सिलेबस में आप लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा लेकिन ये क्वेश्चन शामिल है। अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर क्या, क्योंकि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो होता है ना उसे हम अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशन मर्ज इनटू वन अनदर, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जाके दो सॉल्यूशंस जो दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन एक दूसरे में मर्ज होते हैं उसे हम कहते हैं अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज बेसिक। हम ये जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट होते हैं बेसिक क्यों होता है, बेसिक इसलिए होता है क्योंकि जब सोडियम एसीटेट को आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो ये हाइड्रोक्सलाइन देता है जिसकी वजह से बेसिक हो जाता है। इसी के साथ एक लिंक्ड क्वेश्चन है, वाई एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एसिडिक। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सॉल्यूशन है ना वो एसिडिक क्यों होता है भाई, क्योंकि ये वाटर में जब इसे डिजॉल्व करो तो ये हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देगा तो एसिडिक बनाएगा, हाइड्रोक्सल आयन देगा तो बेसिक बनाएगा। स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते जाएं, मैं बिल्कुल स्लो पेज को आगे कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स जस्टिफाइड। अच्छा भी कहता है कि अगर आपके पास कुछ सॉल्वेंट्स हों तो अगर आप उनके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर दें तो सॉल्यूट के ऐड करने से एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है। हाँ जी, ऐसा हो जाता है क्योंकि वो उसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज व्हेन एवर अ सॉल्वेंट इज हीटेड इट्स वेपर प्रेशर राइज, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वट इज सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है, ये एक किस्म की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के दरमियान, तो ये उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ से तैयार कर लेना। दो तरह की होती है, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। समझ आ रही है ना आप लोगों को, अगर ना समझ आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल में भी करवा दूंगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं आता होगा। बस आप मुझसे जो डिमांड हुई थी वो यही हुई थी कि आप सिर्फ क्वेश्चन सर हमें लिख के देने, हमें आता है टॉपिक नहीं आता। तो बच्चों इन टॉपिक ज़्यादातर टॉपिक्स पर मेरी वीडियो मौजूद है, बाकी स्टाफ की वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, जितने लोग पढ़ा रहे हैं तकरीबन सारे कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट ही प्रोवाइड करें, तो सभी लोग अच्छे हैं जो भी यूट्यूब पर आगे पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, ये उसी क्वेश्चन का बचा हुआ हिस्सा है जहां हमने पढ़ा था कि डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट विद एन एग्जांपल। सॉरी, मैंने अगेन सेम पेज ओपन कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं, 12 सवाल हो गए हमारे। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व एंड डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। तो देख लो भाई, ये इसका डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है क्लियरली, अगला आप लोगों को आई थिंक नज़र आ रहा है। ये ले मैं थोड़ा और इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व डॉट शो शार्प ब्रेक्स एनीवेयर। अच्छा, इसकी मैं डायग्राम बना दूँ, मेरे पास जो है ना मैं कोई रजिस्टर देखता हूँ, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। अच्छा जी बच्चों, यहाँ जो है ना मैं थोड़ा सा वो रह गई है मुझसे, कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व एंड डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। वैसे आप इतना लिखते हैं तो भी दो नंबर आ जाएंगे, समझने के लिए मैं बता देता हूँ। ये जो स्ट्रेट कर्व आती है ना, इन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व, इनमें कोई ब्रेक डाउन नहीं आता, ठीक है ना।
डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व जो होती है वो ऐसे टूटी हुई होती है। फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है, फिर टेट्राहाइड्रेट है, फिर मतलब कैल्शियम क्लोराइड डॉट टू एच टू ओ बच गया है। जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं फौरन उसके अंदर जो है ना चेंजिंग आती है, जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूस कर्व आती है। ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ये ले आप देख लें, अब नज़र आ गया। जैसे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, जैसे उसके 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे ना, फौरन जो है ना उसके अंदर चेंजिंग आएगी और एक नई कर्व आ जाएगी। डिसकंटिन्यूस कर्व आने की वजह यही होती है कि इसमें कंपोजिशन चेंज होती है और इसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होती थ्रू आउट द सोल्यूशन। मतलब जितना मर्जी गर्म कर लो कंपोजिशन चेंज नहीं होती, यहाँ कंपोजिशन चेंज हो जाती है। ये मैंने लिखा भी होगा अपनी बुक पे, ये देखो भाई डिसकंटिन्यूस सोल्यूशन में मैंने क्या लिखा है, केमिकल कंपोजिशन चेंजेस हेयर, और कंटिन्यूस में मैंने क्या लिखा है, केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम हेयर। ठीक है जी, ये मैंने अपनी किताब पे नोट्स बनाए हुए हैं, देखो आप भी बना लिया करो। मुझे मतलब जो बात अच्छी लगती है तो मैं लिख लेता हूँ, आप भी लिख लिया करो, थोड़ा ना हाथ अपने हिलाया करो, थोड़ा सा दिमाग अपना इस्तेमाल किया करो। अच्छा अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज डिसकंटिन्यूस कर्व, गिव वन एग्जांपल, सो गिव वन एग्जांपल। अच्छा ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिसकंटिन्यूस कर्व, इसी को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, अभी सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट शोज डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व, तो दो स्टेटमेंट है, जवाब एक है। ऊपर मैं यही बात समझा चुका हूँ, आप सिर्फ स्क्रीन शॉट ले लें इसका, ये ले, ये ले जी, फुल जूम कर दिया, ऑटो जूम है आज हमारे हाथ में ही है जूम, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा तो वो कुछ करना नहीं पड़ रहा एडिटिंग वगैरह, नज़र आ गया ना क्लियर, ये ले। ठीक है जी, समझा चुका हूँ मैं ये। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16, गिव टू एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हाँ जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की आपने एप्लीकेशन भी याद कर लेनी है। इसकी एप्लीकेशन में ये आता है कि हम इससे मॉलिक्यूलर मास वगैरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन थ्योरी, सोल्यूशन थ्योरी इससे पता चलिए, खैर आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेज में पढ़ेंगे आप सोल्यूशन थ्योरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस फिनोमेना इज़ द यूजेज ऑफ एंटी फ्रीज, फॉर एग्जाम्पल जो है वो गर्मियों में गाड़ियों का रेडिएटर जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसमें एंटी फ्रीज एजेंट यूज करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही खेल है सारा। क्वेश्चन नंबर 17, ये मैं समझा देता हूँ, समझ लेना क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे नहीं पढ़ने से नहीं समझ आएगा। कहते हैं वन मोलल सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर इज डिल्यूट एज कंपेयर टू वन मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया, बात को समझे। कहते हैं वन मोलल जो है ना वो ज्यादा डिल्यूट होता है और वन मोलर जो है ना वो कम डिल्यूट होता है। ठीक है जी, ये मैं आपको दोबारा यहां थोड़ा सा लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, अगर समझ आ गया तो आगे मूव करें, अदरवाइज मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये यहां देखें भाई, कहता है कि वन मोलल जो होता है ना, वन मोलल वो डिल्यूट होता है और वन मोलर जो है ना वो कम डिल्यूट होता है, कम डिल्यूट, बात की समझ आ रही। कहता है ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है यूं समझ लें आप, और ये थोड़ा सा पतला होता है, इसकी क्या वजह है और किस चीज का पूछ रहा है। वन मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर इज डिल्यूट एज कंपेयर टू वन मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट इज सेम। कहता है वन मोलल सोल्यूशन बनाया, किसका बनाया, यूरिया का, वन मोलल सोल्यूशन बनाया यूरिया का तो वो मिला डिल्यूट, और वन मोलर सोल्यूशन जब बनाया यूरिया का तो वो इतना डिल्यूट नहीं था, वो कम डिल्यूट था। पहले मैं डिल्यूट समझा दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता, डिल्यूट ये है यार, देखो कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास ना शरबत था, लेट मैं कहता हूँ आपके पास फालसे का शरबत था, सादा सी मिसा, ये फालसे का शरबत, ठीक है, ये आपके पास बड़ा ज़बरदस्त था। अब आपके मेहमान, आपके दोस्त आपके पास आ गए, आपने अब क्या किया, चलाकी की, आपके पास और शरबत था नहीं, आपने मतलब एक गिलास पानी का भरा, वो उठा के इसमें डाल दिया, इसे कहते हैं डिल्यूट करना, तो ये डिल्यूट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब कहता है अगर वन मोलर सोल्यूशन प्रीपेयर करो यूरिया का तो वो डिल्यूट होता है, वन मोलर जो होता है ना वो कम डिल्यूट होता है, मतलब थोड़ा सा सही होता है, थोड़ा सा कम डिल्यूट होता है, इसकी क्या भाई। देखो वन मोलर जो है ना, वन मोलर ये होता है, अच्छा जी, वन मोलल कहता है इन वन मोलल यूरिया सोल्यूशन वन मोल यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। वन मोलल सोल्यूशन ऑफ यूरिया, वन मोलल सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर
अच्छा जी, वन मोलर डिल्यूट सॉल्यूशन जो है ना, उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल लेट मैं कहता हूँ यहाँ तक आपके पास ना 1000 ग्राम ऑफ वाटर आता है, ठीक है, सॉल्वेंट हम वाटर ले रहे हैं, यहाँ तक पैमाना है, लेट मैं कहता हूँ यहाँ तक 1000 ग्राम ऑफ वाटर आता है। अब आपने क्या किया, आपने इसके अंदर 1 मोल यानी कि 60 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड कर दिया, तो इसका ओवरऑल वॉल्यूम पता कितना बन जाएगा, 1000 ग्राम प्लस 60 ग्राम, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक आ जाएगा, इसे कहते हैं 1 मोलर। और 1 मोलर पता क्या होता है, 1 मोलर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ तक है ना पैमाना, यहाँ तक आएगा तो 1000 होगा। अब 1 मोलर में, 1 मोलर में ये होता है कि आप जो है ना इतना सा आपके पास सॉल्वेंट होता है ना, आप उसी के अंदर ऐड कर देते हैं 60 ग्राम ऑफ यूरिया, और आपने उससे सॉल्वेंट को इतना करना होता है कि बस वो यहाँ तक आ जाए, यानी ओवरऑल जो वॉल्यूम होता है ना वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बात की समझ आई है। अब एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जो सिर्फ है ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो थोड़ा सा बढ़ गया, बात की समझ आ रही है, तो ये डिल्यूट होगा और ये कम डिल्यूट होगा, ये कंसनट्रेटेड होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई, ना ही हो तो फिर इस पर मेरा डिटेल्ड लेक्चर, मेरा नाम मिले तो किसी और का सुन लेना, डिटेल्ड लेक्चर इस पर VIP पढ़े हुए YouTube पे, ठीक है जी। 18वां, NaCl लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, गिव रीजन। भाई देखो, कहता है कि सोडियम क्लोराइड जब ऐड करते हैं तो वो जो है ना मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। NaCl एंड पोटाशियम नाइट्रेट आर इलेक्ट्रोलाइट्स आर सफिशिएंटली सॉल्युबल इन वाटर, दे डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इन वाटर, इन दिस वे दे कैन मैनेज टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशर इन द फ्रीजिंग पॉइंट हो जाती है बेसिकली, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है, इन समर, कहते हैं गर्मियों में द एंटी फ्रीज सॉल्यूशन प्रोटेक्ट लिक्विड ऑफ द रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग ओवर, कहता है ये जो गर्मियों में जो अंदर रेडिएटर का जो पानी है वो ज़्यादा जल्दी बॉयल नहीं होता, इसकी क्या वजह, क्योंकि हमने जो है ना इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा हुआ है, हम जो है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देते हैं कोई ना कोई फ्रीजिंग एजेंट डालने से, कोई ना कोई सल्यूट ऐसा ऐड डाल देते हैं, मेरे ख्याल में इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ यूज़ किया जाता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूज इन द रेडिएटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग इंजन, इफ़ वी एड सम सूटेबल सल्यूट विच इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड देन ईजीली बॉइलिंग ओवर ऑफ वाटर इज अवॉइडेड, एक्चुअली सच सल्यूट्स डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एज वेल, ठीक है जी। ये इस बात का लास्ट का मतलब ये है कि ये ऐसे सल्यूट्स होते हैं जो बॉइलिंग के साथ साथ फ्रीजिंग को भी जो है ना वो कम कर देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देते हैं, डबल काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है 100 ग्राम ऑफ 98% सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 54.34 सेंटीमीटर के अबव सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डेंसिटी इसकी ये दी हुई है, तो इस बात को साबित करना है कि अगर 100 ग्राम ऑफ 98% सॉल्यूशन, तो हमें पता है डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है जी। अब वॉल्यूम आ गया हमारे पास मैस ओवर डेंसिटी, पुटिंग द वैल्यूज वॉल्यूम बराबर आ गया, मैस गिवन है, डेंसिटी गिवन है, इसका जब जवाब निकालो 54.3 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। इस बात का मतलब यही है कि 100 ग्राम अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का लें, 100 ग्राम ऑफ 98% सल्फ्यूरिक एसिड का लें, तो जनाब उसका जो वॉल्यूम आएगा ना वो यही आएगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, हाँ जी ये जो है ना मतलब ये प्रेशर पर डिपेंड करता है या फिर ये मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मैं आप लोगों को फिर कहूंगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको उम्मीद है कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो बच्चों आप लोग डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स इनके सुन लें ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, उसके लिए मैं माजरत खां हूँ। किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। PDF फाइल के लिए मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आपको PDF फाइल चाहिए तो आप PDF फाइल के लिए यहाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन काइंडली व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, कॉल नहीं अटेंड करूँगा मैं, अच्छा जी व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके अलावा बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, मज़ीद वीडियोस मेरी आती रहेंगी, 10वें चैप्टर की मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक या कल तक अपलोड कर दूँगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।